चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर उस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आज वीरभद्र सिंह की शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। हर ब्लॉक में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर उस बीच हिमाचल प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 17 जुलाई को वीरभद्र सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। 68 विधानसभा क्षेत्रों में वीरभद्र सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की याद में शोक सभा का आयोजन पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो 17 जुलाई को इनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। वीरभद्र सिंह की 68 विधानसभा क्षेत्रों में विसर्जित की जाएंगी वीरभद्र सिंह की अस्थियां। बड़ी खबर इस बीच हिमाचल प्रदेश से। तो वीरभद्र सिंह की याद प्रदेशवासियों के दिलों में जीवन पर्यंत रहेगी, सतत रहेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज वीरभद्र सिंह की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया है और प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में विसर्जित की जाएंगी वीरभद्र सिंह की अस्थियां। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। विकास, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश हम सबको छोड़कर जरूर गए, लेकिन उनकी यादें, उनके जो पदचिन्ह है वो हमेशा प्रेरित करते रहेंगे हमको उनके पथ पर चलने को लेकर। आज शोक सभा का ऐलान, शोक सभा का इंतजाम किया गया है। मैं चाहूंगा आप अपडेट दें शोक सभा को लेकर, कहां कहां शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, जो संगठनात्मक जो ब्लॉक्स हैं कांग्रेस पार्टी के, अब 72 ब्लॉक्स हैं और 72 के 72 ब्लॉक्स में, जो कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में है, इन 72 ब्लॉक्स के अंदर जो है वो अस्थि कलश को रखा गया है। हालांकि पिछले कल ही ये अस्थि कलश रामपुर बुशहर से शिमला पहुंचे थे और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर कुलदीप राठौर, वो खुद अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन अब उसके बाद कल यहीं पर कांग्रेस मुख्यालय में ये अस्थि कलश जो है वो सभी ब्लॉक अध्यक्षों को दिए गए। और जो आगे का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह की, आज 16 तारीख को आज जो है सभी अस्थि कलश जहां जहां जिस जिस ब्लॉक में रखे गए हैं वहां पर लोगों के लिए आज जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए जाएंगे। शोक सभा का आयोजन वहां पर किया जाएगा और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो दर्शन करने वहां पर जो है आज पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके बाद कल की अगर मैं बात करूं तो कल 17 तारीख है और 17 तारीख को सुबह 10 बजे जो हरिद्वार की गंगा नदी है वहां पर अस्थि विसर्जन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद 10 बजे जब वो अस्थि विसर्जन हरिद्वार में होगा, उसके बाद जितने भी हिमाचल प्रदेश में ये जो 72 ब्लॉक्स में अस्थि विसर्जन के लिए जो अस्थि कलश जो है वो रखे गए हैं, इन अस्थि कलश को भी जो वहां के पवित्र सरोवर होंगे या पवित्र वहां की नदियां होंगी, इन तमाम जगहों पर उसको जो है उन अस्थि कलशों को वहां पर विसर्जित किया जाएगा। लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा लोगों की आस्था जुड़ी है, देखिए लोगों की भावनाएं जुड़ी है और ऐसे में लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो राज्य सरकार को लिखी है और उसमें ये मांग की है कि जो ऐतिहासिक रिज मैदान है यहाँ पर शिमला में, वहां पर जिस तरह से इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी है, इसी तरह से वीरभद्र सिंह की भी प्रतिमा जो है वो लगाई जाए। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पहाड़ों पर कोरोना ने यू टर्न लिया है, यह बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर इस बीच, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ने लगे हैं। चिंताएं बढ़ना लाजमी है क्योंकि 24 घंटे में 89 कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, यानी कि 3 लोग कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हार गए और संक्रमण का आंकड़ा प्रदेश में एक बार फिर से लगातार बढ़ता हुआ। अब तक 1,99,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय कोरोना के मामलों की संख्या 1,191। लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है कि प्रदेश के अंदर कोरोना यूटर्न ले रहा है। जो आंकड़े बहुत तेजी के साथ कम हो रहे थे, उन आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना यूटर्न लेकर वापस आता हुआ। एक बड़ी खबर और आपको बताएंगे, जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर इस बीच, दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। कई मायनों में यह दौरा बेहद अहम, बेहद खास
कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के भी आसार हैं। सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर आज शाम पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज शाम दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी, तमाम प्रदेश के अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। स्पर्श, आज शाम सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर, कितना खास है यह दौरा, हिमाचल प्रदेश के किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है? देखिए बिल्कुल वैभव, आज शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आएंगे और प्रदेश के जो विकास संबंधित कार्य हैं उनको लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान कोविड काल में तमाम परिस्थितियां थी जहां पर प्रदेश में जो है आर्थिक तौर पर प्रदेश की जो गतिविधियां हैं वो कम हुई थी, तो ऐसे में किस तरीके से जो परियोजनाएं हैं उनको तेजी लाई जा सकती है, इसके संदर्भ में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जो पार्टी आलाकमान है उनसे भी जो है जयराम ठाकुर मुलाकात कर सकते हैं, प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर चर्चाएं की जा सकती है। और उसके अलावा प्रदेश में चूंकि उपचुनाव भी होने हैं कुछ, तो उसके संदर्भ में भी जो है दिल्ली दौरे के दौरान जो है चर्चाएं की जा सकती है। फिलहाल जो औपचारिक शेड्यूल आया है उसके मुताबिक लगभग 4:30-5 बजे के आसपास दिल्ली आएंगी और रात्रि ठहराव दिल्ली में ही होता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, कब तक सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली रुकेंगे, कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये दौरा जो है 2 दिवसीय हो सकता है। आज जो है लगभग 4:30 बजे के आसपास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली आएंगे, रात्रि ठहराव दिल्ली ही होता हुआ जो नजर आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि कल भी कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, और कल जो है फिर फर्दर प्रोग्राम जो है जारी होता हुआ नजर आएगा कि कितने दिन का ये दिल्ली दौरा रह सकता है, लेकिन फिलहाल 2 दिवसीय दिल्ली दौरा ये देखने को मिलेगा। चलो स्पर्श, आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को मंडी जिले के बाली चौक से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान नई तकनीक बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि वो इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जारी रख पाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2014 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान से महामारी के दौरान लॉकडाउन में आम जनजीवन को सुगम बनाए रखने में मदद मिली। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि देश भर में ऐसा पहला अभियान है जिसके माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को मोबाइल दिए जाएंगे। अब तक लगभग 1100 से ज्यादा मोबाइल दिए जा चुके हैं। सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास साधन की कमी, सुविधा की कमी है, उस दृष्टि से वो स्मार्टफोन नहीं ले सकते हैं, और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में जैसे माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि शायद हिमाचल प्रदेश हो ये इनिशिएटिव लेने वाला पहला प्रदेश है जहां एक प्रयास उस दिशा में किया। स्मार्टफोन जो है वो बच्चों तक पहुंचाने का एक अनूठा तरीका निकाला है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया गया है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सब इसमें जुड़े, आगे बढ़कर के इसमें काम करें। एक अच्छी योजना को आज लॉन्च किया गया है और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चों का सहारा फोन हमारा, डोनेट अ डिवाइस, और डिजिटल साथी करके इसका पोर्टल भी आज प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा हमने पूरे समाज से इस बात के लिए अपील की है कि ऐसे कुछ अभावग्रस्त बच्चे हो सकते हैं, गरीब परिवारों से संबंधित हो सकते हैं, मजदूरों से संबंधित हो सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए यदि कोई मोबाइल फोन इत्यादि की दिक्कत है तो उसमें जहाँ पर हम सब लोग योगदान कर सकते हैं तो उसमें सभी लोग योगदान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय दौरे पर मंडी पहुंचे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बाली चौक में 1.16 करोड़ रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम जयराम ठाकुर ने बाली चौक में स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके अलावा सीएम ने पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की और
सभी संबंधित अधिकारियों को विकास कार्य में गति लाने के आदेश दिए हैं। कोविड के कोरोना के इस दौर में लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यू के एसडीओ का ऑफिस का भवन है जो 1,10,00,000 की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा बीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ लगभग 1,15,00,000 की लागत से, वो भवन बनकर के तैयार हुआ, इनको हमने आज समर्पित किया। और मैं यहां बारी चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूं कितना परिवर्तन है। इस बारी चौकी में लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया, और उस दौरान हमने देखा कि बारी चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह सुनता हूं। अगर मैं यहां आपके बीच में जहां खड़ा हूं, तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी अभी ताजा ताजा बन करके दिया। साइंस ब्लॉक का भी उद्घाटन हुआ, ये भवन भी बाद में बना, छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था, ये भवन बनकर से तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहां पर निर्माण करने का हमारा जो एक लक्ष्य है उसको भी हम पूरा करेंगे। चलो, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पांवटा साहिब से ट्रैफिक तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन मोड में है। बड़ी खबर पांवटा साहिब से, पांवटा पुलिस ने 300 से ज्यादा चालान काटे हैं, इस दौरान 1,00,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। बड़ी खबर इस बीच पांवटा साहिब से, आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पांवटा साहिब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, और पांवटा पुलिस ने 300 से ज्यादा चालान काटे हैं इस जिले के तमाम इलाकों में, और इस दौरान 1,00,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। यानी कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पांवटा साहिब से बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पांवटा पुलिस ने 300 से ज्यादा चालान काटे हैं, 1,00,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। यानी कि अगर आप पांवटा साहिब के अंदर कार या फिर बाइक चलाते हैं, कार या फिर बाइक से सफर करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पांवटा साहिब पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते दिनों कांगड़ा में आई तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। कांगड़ा के वो गांव में लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। आपको बता दें कि वो गांव में लैंडस्लाइड के कई लोगों के दबने की खबरें सामने आई, जिसके लेकर सोमवार से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं मुश्किल की इस घड़ी में शाहपुर का कर्णिक उपाध्याय भी रेस्क्यू में लगे इन जवानों के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। आपको बता दें कि कर्णिक अपनी टीम के साथ पिछले 4 दिनों से इन जवानों की मदद कर रहा है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के 72 ब्लॉकों में किया जाना है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में अस्थि कलश सौंपे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने बताया कि 16 जुलाई को प्रार्थना सभा के साथ दिवंगत नेता के अस्थि कलश प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के 72 ब्लॉकों में स्थानीय लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्थानीय पार्टी कार्यालय में रखे जाएंगे। हमारे जो दिवंगत नेता श्री वीरभद्र सिंह जी की जो अस्थि कलश है, वो आज मैं रामपुर से लाया, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने मुझे सौंपे। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में भीड़ जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए रिज मैदान में भी इकट्ठी हुई, पार्टी कार्यालय में हुई, रामपुर में हुई, और
उनकी अंत्येष्टि में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी वो उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पूरे प्रदेश में हमारे जो पार्टी के लोग हैं, आम लोग हैं, उनका अनुरोध था कि उनके जो अस्थि कलश हैं वो पूरे प्रदेश में पूरे ब्लॉक में जाएं ताकि लोग वहां अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। अब अगली खबर आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में सोमवार को 11 साल की बच्ची सड़क के साथ लगे नाले में बह गई थी, जिसके बाद काफी तलाश के बाद बच्ची का शव मिला। तो वहीं बच्ची की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि कांगड़ा के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक बच्ची नेहा चाहड़ी कीर से रहती थी और गांव में तेज पानी के बहाव से बह गई थी। घटना के दौरान नेहा बाजार आई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान जब सड़क से गुजर रही थी तो गाड़ी आने के चलते थोड़ा पीछे हटी और इस दौरान वो नाले में गिर गई और वो बह गई। वह मृतक बच्ची का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो उसने अपनी बहन के साथ बनाया था। चलो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिले शुरू होंगे, एडमिशन 26 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त से नया सेशन शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। कॉलेजों में 26 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर इस बीच आप सबके टेबल स्क्रीन पर, 16 अगस्त से नए सेशन की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस बीच आप सबके टेबल स्क्रीन पर, कॉलेजों में 26 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 16 अगस्त वो तारीख जब नए सेशन की शुरुआत प्रदेश के तमाम कॉलेजों में की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस बीच आप सबके टेबल स्क्रीन पर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।